हेलो एवरीवन, सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हनुमान जंगिड़, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं गुरु नीति के जेई एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चंस 2016 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अपन ने टॉपिक ले रखा है मोल कंसेप्ट, सोल्यूशन, एटोमिक स्ट्रक्चर, सरफेस केमिस्ट्री। चार टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं 2016 से लेकर 2020, इन 5 सालों में जेई एडवांस का क्या ट्रेंड रहा। इन चार टॉपिक के लिए मैं 23 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसका मतलब ऑन एवरेज जो है वो इन टॉपिक से जो है वो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं पर ईयर। 5 साल में 23 क्वेश्चन है। इसका मतलब ये सब समझ के चले आप कि आप 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और ऑलमोस्ट कंसेप्ट जो रहा है वो हर साल लगभग सेम रहा है। ठीक है, आइए ट्रेंड को समझते, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, डील करते हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जेई एडवांस में 1 घंटे में आपको एक पेपर सॉल्व करना होता है केमिस्ट्री का, जिसमें 18 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप 12-13 क्वेश्चन भी अगर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं तो उस कंडीशन में भी जो है वो एक अच्छी रैंक आप सिक्योर कर सकते हैं। तो 12 क्वेश्चन करने में आपको 5 मिनट लगते हैं पर क्वेश्चन करने में, तो अपन उसी ट्रेंड पे कि हाँ टाइम तो लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, क्या कह रहा है। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए स्फेरिकल सेल ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल थिकनेस dr एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। द वॉल्यूम ऑफ द सेल इज 4πr² dr। द क्वालिटेटिव स्केच ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ p ऑन r इज, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि हाइड्रोजन परमाणु का 1s इलेक्ट्रॉन की नाभिक से r दूरी पर एक अनंत सूक्ष्म मोटाई dr के गोलीय कोश में पाए जाने की प्रायिकता क्या है, p है। इस कोश का आयतन कहा जा रहा है 4πr² dr है, तो p की r पर निर्भरता का गुणात्मक चित्र क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए बात करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ थिंग अपन बात करें, 3 चीजें पढ़नी होती है अपन को। अपन को फर्स्ट ये देखना होता है कि 1s के लिए अगर मैं बात करूं तो 3 ग्राफ बने जाते हैं, या 3 ग्राफ एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी है। एक तो प्रोबेबिलिटी होती है वेव फंक्शन साई की, या रेडियल वेव फंक्शन बोल दो आप इसे, कि r के साथ डिपेंडेंस। ठीक है, 1s के लिए अगर अपन बात करें या s ऑर्बिटल के लिए बात करें तो न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इसलिए अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये आएगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बोल दो वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो साई और आर का ग्राफ जो आएगा वो 1s के लिए ऐसा आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं साई स्क्वायर का। तो साई स्क्वायर का ग्राफ भी 8p इसके जैसे ही आता है। हाँ, ये हो सकता है कि कर्व बनाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट ग्राफ इसके जैसे ही बनेगा। साई स्क्वायर वर्सेस r की बात करें तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा 1s के लिए, ये लीजिए। लेकिन मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी, मैं बात करूं ये जो होता है वो यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं किसमें, एक इनफाइनाइट स्मॉल थिकनेस लेते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से जो है वो आप क्या गए, r डिस्टेंस पे गए, ये लो r डिस्टेंस पे गए, और फिर यहां पे आपने एक dr रेडियस लिया, dr थिकनेस लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी आप बता रहे हो, पूछ रहे हो, तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 4πr² * थिकनेस क्या होगी इसकी, dr। तो यहां पे आप जो प्रोबेबिलिटी कह रहे हो, इस dr इस वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 4πr² * dr * ψ² के ग्राफ। ठीक है, इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। आपने देखिएगा साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, r से। आपने साई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, r से, तो r की वैल्यू जब 0 होगी तो उस समय साई स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो प्रोबेबिलिटी के जितने भी ग्राफ स्टार्ट होते हैं वो हमेशा ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा, ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा और ग्राफ आएगा ऐसा।
चूंकि 1s के लिए अगर अपन बात करें, 1s के लिए अगर रेडियल नोड की बात करें तो उसका रेडियल नोड जो होता है, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 इट इज 0। तो ग्राफ कट ही नहीं करना चाहिए कहीं पे। रेडियल नोड कहां पे आएगा? रेडियल नोड वहां पे आएगा जहां पे वेव फंक्शन का साइन चेंज हो जाए, वेव फंक्शन का साइन चेंज नहीं हुआ, या साई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाए, साई स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं आई, या इसकी वैल्यू 0 आ जाए, इसकी वैल्यू भी 0 नहीं है। तो ये तीन ग्राफ बनेंगे, ये साई का, ये साई स्क्वायर का, ये प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी बोले तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर का ग्राफ है। चेक करते कौन सा ग्राफ होगा, देखिएगा। ये देखो, ये पूछ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है, ये देखो। तो कौन सा वाला ग्राफ बनेगा? अपने अकॉर्डिंग ग्राफ जा रहा है, देखिएगा सेकंड नंबर ग्राफ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चले आगे, ये क्वेश्चन था। तो मैंने आपको इसमें तीनों थीम बता दी एस के लिए, ठीक है। चले आगे बात करते हैं। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन इन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज 0.1, ये कह रहा है। एट 298 केल्विन मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज द सेम एज द मोलेलिटी। मोलारिटी और मोलेलिटी क्या है? सेम है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। द रेशियो ऑफ द मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो कैलकुलेट करना है। आपको बोला है कि विलय का मोल भिन्न 0.1 है, मोलेलिटी और मोलारिटी बराबर है, डेंसिटी 2 दे रखी है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये रेशियो क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए बात करते हैं। अपन एक सिंपल सी बात करें कि मोल फ्रैक्शन दे रखी है आपको 0.1 दे रखी है। मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन होता है थाउजेंड ऑफ द एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये रिलेशन होता है, वेल नोन रिलेशन है। यहां पे मैं वैल्यू पुट करूं, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.1, ये लीजिए, अपॉन 1 माइनस 0.1 इंटू क्या, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा स्मॉल m बराबर 1000 डिवाइड बाई 9 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये लो, याद है। चले आगे, अब आपको कह रहा है मोलेलिटी और मोलारिटी भी बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दो। मोलेलिटी जो होती है वो होती है 1000 इंटू कैपिटल एम अपॉन 1000 ऑफ द डी माइनस एम इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये अभी कह रहा है ये दोनों बराबर है, तो मोलेलिटी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी जाए, ये वाली वैल्यू, अगर ये वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 9 इनटू m ऑफ द सॉल्वेंट, ये लो, इज इक्वल टू 1000 m, एक मिनट, ये वैल्यू है, ये कह रहा है स्मॉल m है, तो स्मॉल m और कैपिटल m कह रहा है कि बराबर है, तो स्मॉल m और कैपिटल m बराबर है, तो एक काम कीजिएगा, पहले इस कैपिटल m को स्मॉल m से कैंसिल आउट कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये बन गया 1000 इनटू डेंसिटी कितनी 2 माइनस कैपिटल m की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो आप 1000 अपॉन 9 ऑफ द m सॉल्वेंट, और ऊपर क्या रह जाएगा m ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या 1000, ये वाली वैल्यू इधर चली गई, तो ये हो गया 2000 हो गया, तो ये इधर लिख के आ जाओ, ये हो गया 1000 इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, तो 1000 डिवाइड बाय 9 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये लीजिएगा 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट रेस टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इट इज इक्वल टू 9/1, क्या आ जाएगा 9/1 आ जाएगा। सिंपल सी अप्रोच है, दो फॉर्मूले आपको जो बोले इनको आपको याद रखना होता है, अगर ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो इजीली अप्रोच बन जाएगी, ठीक है। मोलेलिटी की जो वैल्यू आई है उसको मोलेरिटी कंसीडर करते हुए मैंने यहाँ पे पुट कर दिए, स्मॉल एम से कैपिटल एम क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। चले आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा।
थर्ड नंबर देखिएगा प्रॉब्लम, इन ए न्यूट्रल और फेंटली एल्केलाइन सॉल्यूशन 8 मोल्स ऑफ पर मैग्नेट एनायन क्वांटिटेटिवली ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट एनायन टू प्रोड्यूस एक्स मोल ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज। यहां पे आपको एक इनऑर्गेनिक की रिएक्शन दी गई है, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन करवा रहा है और फिर आपसे पूछ रहा है या तो उदासीन होना चाहिए या धूमिल विलयन होना चाहिए। धूमिल विलयन का मतलब ये हो गया कंसेंट्रेशन क्या हो कम बेसिक सॉल्यूशन की। मैं 8 मोल पर मैग्नेट रिनाइन लिया आपने, ओके, थायोसल्फेट रिनाइनों का मात्रात्मक ऑक्सीकरण कर एक्स मोल सल्फर अंतर्विष्ट उत्पाद उत्पादित करते हैं तो एक्स की क्या मात्रा होगी इसके बारे में आपको बोला गया। देखिएगा ये MnO4- है, थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करे H2O3 2-, मीडियम रखा हुआ बेसिक मीडियम में, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में और इसको कन्वर्ट कर देगा सल्फेट में। अगर आपको ये रिएक्शन याद है तो आपका काम हो जाएगा इजीली। 8 मोल पर मैग्नेट है, ठीक है, और एक्स मोल क्या बना रहा है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करूं क्या, किसी भी रिएक्शन में इक्विवेलेंस तो बराबर होंगे ही होंगे, MnO4- का इक्विवेलेंस जो होगा वो इक्विवेलेंस ऑफ सल्फेट के बराबर आएगा, ये बराबर आना चाहिए। अब देखिएगा मैं सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूं +7, यहां पे एक सल्फर का है +2, यहां पे अगर बात करोगे तो +4 और यहां पे बात करोगे तो 6 आएगा। इक्विवेलेंस जो होता है वो होता है मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, इधर भी मोल इंटू एन फैक्टर। ये किसके लिए लग जाएगा, सल्फेट के लिए, ये किसके लिए वैलिड है, MnO4- के लिए। अच्छा MnO4- का मोल कितना दे रखा है 8, ये लीजिए। n फैक्टर कितना है +7 से +4 कितने का चेंज हुआ 3 का, ये लो। अब सल्फेट का चाहिएगा मेरे को मोल, तो मोल यहां पे x है, n फैक्टर यहां पे सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, 6 से ये किस में आ रहा था +2, ठीक है, या +2 से 6 में आ रहा है, जिसका कैलकुलेट करना होता है उसी के रेफरेंस में बात करेंगे। अपन को सल्फेट का चाहिए तो ये देखो सल्फेट किससे आया है, सल्फेट आया थायोसल्फेट से, तो इधर +6 है उधर +2 है तो कितने का चेंज हुआ 4 का चेंज हुआ, तो इसका n फैक्टर 4 हो जाएगा, तो x बराबर 24/4 इट इज इक्वल टू 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। बात करें आगे, नेक्स्ट बात करते हैं अगर अपन, देखिएगा ये कह रहा है द क्वालिटेटिव स्केचेस 1, 2, and 3 गिवन बिलो सो द वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ 3 डिफरेंट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KCl, CH3OH एंड CH3, मतलब ये दे रखा है, ये सर्फेक्टेंट है एट रूम टेम्परेचर, द करेक्ट असाइनमेंट ऑफ द स्केचेस इज। ये कह रहा है ये 3 ग्राफ दे रखे, ये ग्राफ जो होते हैं वो मोलर सांद्रता का पृष्ठ तनाव के साथ क्या है वेरिएशन है, तो कौन सा ग्राफ सही है या ये जो ग्राफ दे रखे कौन सा किसका ग्राफ होगा। एक सिंपल सी बात आपको बताना चाहता हूं मैं आपको, यहां पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने पर सरफेस टेंशन भी क्या होगा इंक्रीज होगा। अगर अपन को इसमें कीवर्ड ढूंढ के लेके आना है तो कीवर्ड ये रहेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, जैसे ही आपने कोई सब्सटेंस को वाटर के अंदर ऐड किया है अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐड हुआ है इंक्रीज हुआ है तो कंसेंट्रेशन बढ़ने पर सरफेस टेंशन भी क्या होगी इंक्रीज होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ है तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन भी क्या होगा डिक्रीज होगा। ये एक अपने पास तरीका है आइडेंटिफाई करने का। जब आप KCl को वाटर में ऐड करते हो तो पहले वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो डाइपोल डाइपोल का अट्रैक्शन है, लेकिन जैसे ही KCl को वाटर में आपने ऐड किया उस कंडीशन में फोर्स बनने लगेगा आयन डाइपोल का, कौन सा फोर्स बनने लगेगा आयन डाइपोल का। आयन डाइपोल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डाइपोल डाइपोल से ज्यादा होता है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि KCl को वाटर में मिलाने पर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा है, इसका मतलब सरफेस टेंशन बढ़ना चाहिए कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ होना चाहिए, ये वाला कौन सा, सेकंड वाला ग्राफ। सेकंड वाला ग्राफ किसके लिए होगा, केसीएल के लिए होगा, तो सेकंड वाला ग्राफ केसीएल के लिए ये लो। आंसर तो यहीं से हो जाएगा, डी आंसर आना चाहिए। अब थोड़ी सी और बात करते हैं अपन। जब आप कह रहे हो कि आपने क्या मिलाया, मिथाइल एल्कोहल मिलाया, मिथाइल एल्कोहल अगर वाटर में मिलाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होता है, तभी तो मिथाइल एल्कोहल का और वाटर का सॉल्यूशन जो होता है वो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल होता है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन जो होगा, मैं सरफेस टेंशन की बात करूं तो देखो डिक्रीज हुआ है कंसंट्रेशन के साथ। तो फर्स्ट वाला ग्राफ किसका होना चाहिए था, मिथाइल एल्कोहल का होना चाहिए, ये देखिएगा ग्राफ ये। अच्छा, इसमें ऐसा क्या हुआ, फिर सर्फेक्टेंट बनता है, तो सर्फेक्टेंट में ये वाला जो पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है, ये जो होती है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होती है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होती है, इसलिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत कम हो गया, इसलिए इसमें जो है वो शार्पली जो होगा वो क्या होगा, ग्राफ डिक्रीज होगा। शार्पली क्या होना चाहिए, ग्राफ डिक्रीज होगा। तो ये देखिएगा थर्ड का, तो ओवरऑल आंसर क्या गया, डी। और इसके अगर मैं बात करूं कि इसके की वर्ड क्या होंगे, तो की वर्ड ये थे। आपको अगर इतना ध्यान होगा तो आपका काम चल जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, मिक्सर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एट 35 डिग्री सेल्सियस इज ऑब्लिक आर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। आपको बोला है ऐसा कौन सा मिश्रण है जो 35 डिग्री सेल्सियस पर राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ये चेक करोगे कि किसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हुआ है। पॉजिटिव डेविएशन तभी होगा, पॉजिटिव डेविएशन तभी होगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी जो है वो वीक हो जाए, किससे, ए ए से या फिर बी बी से, ये होना चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिथेनॉल के साथ ऐड किया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिथेनॉल के साथ ऐड किया है। एक बात मालूम है आपको, मिथेनॉल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब आपने इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर मिला दिया तो वो तो वैसे भी नॉन पोलर था, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक हुआ। अब नया फोर्स जो लगने वाला है CCl4 और मिथेनॉल के बीच में, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड लग सकता है, क्या नहीं लगेगा, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, क्या नहीं लगेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लगने वाला है। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वीक हो गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ, यहां पे अगर एक तरीके से अगर फोर्स लगेगा ना, वो ये लगेगा इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल भी नहीं है, इंड्यूस डाइपोल एंड डाइपोल, तो ये तो हाइड्रोजन से वीक है ना, तो नया बनने वाला फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो स्ट्रॉन्ग होता है उससे कंपेयर करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या है, वीक है, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। सेम का सेम एसीटोन के अंदर जो होता है वो डाइपोल डाइपोल का फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है, डाइपोल डाइपोल। अब एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का एग्जांपल है ये, तो कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, एसीटोन, तो कंपैरिजन इससे करना है आपको। कंपैरिजन इससे करोगे तो मैं बोलूंगा अब नया जो फोर्स बनने वाला है वो होगा इंड्यूस डाइपोल डाइपोल, तो बताओ इसकी वैल्यू जो है वो डाइपोल डाइपोल से कम है ना। अगर इसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब सीधी सी बात है पॉजिटिव डेविएशन शो करना चाहिए। बेंजीन और टोलुइन इट इज द आइडियल सॉल्यूशन, फिनोल एंड एनिलीन इट इज द नेगेटिव डेविएशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो गई है इसमें, फिनोल में और एनिलीन के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव डेविएशन, तो आंसर क्या जाएगा, ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। ओके चले आगे नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर सिक्स। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए, फॉर ए सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग लिक्विड एल एंड एम, ये कह रहा है कि एल और एम लिक्विड को मिक्स किया है, द वेपर प्रेशर ऑफ एल प्लॉटेड अगेंस्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एम इन सॉल्यूशन इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। एक आपको कह रहा है एक्स एम के बीच में मोल फ्रैक्शन ऑफ एम और प्रेशर ऑफ किसके, वेपर प्रेशर ऑफ एल के बीच में ग्राफ शो किया गया है। ओके,
आपको बोला हियर एक्सएल एंड एक्सएम रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एल एंड एम रेस्पेक्टिवली इन द सॉल्यूशन द करेक्ट स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू दिस सिस्टम इज ऑब्लिक आर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देखिएगा इसको कैसे अप्रोच करें। ये आपको एक मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ दे रखा है। अगर मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा आइडियल होता है, मींस राउल्ट्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन बात कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं मैं, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें अगर अपन, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, सेकंड ऑप्शन की बात करें और लास्ट ऑप्शन की बात करें, तो पॉइंट जेड पे बात हुई है, पॉइंट जेड ये वाला है। इस वाले पॉइंट पे आए तो xm की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर xm जीरो हुआ मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ m जीरो हुआ, उस कंडीशन में xl कितना होगा, वन होगा। xl कितना होगा, वन। इसका मतलब कौन है, प्योर l है, प्योर l है, तो वेपर प्रेशर जो होगा वो p नॉट ऑफ l को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो द पॉइंट z रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड m, ये तो गलत हो गया, प्योर लिक्विड किसका रिप्रेजेंट करना चाहिए, l का, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत, रॉन्ग है। सेकंड, द पॉइंट z रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड m, ये भी गलत है। अगला पॉइंट देखते हैं, सी और डी। सी वाले पॉइंट पे मैं बाद में आऊंगा। द पॉइंट z रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड l, यहां तक तो सही है। आगे देखिएगा, राउल्ट लॉ इज ओबेड व्हेन xl टेंड्स टू 1। जब xl टेंड्स टू 1 गया, xl टेंड्स टू 1 गया, इसका मतलब xm टेंड्स टू क्या हुआ, 0। इसका मतलब ये इस वाले पॉइंट पे बात कर रहा है। एक बात देखना, अगर मैं इसको यहां से ऐसे मिलाना ट्राई करता हूं तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है या नहीं बन रहा, बताओ। इसका मतलब जब xl टेंड्स टू 1 होगा तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब राउल्ट लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब डी इज करेक्ट आंसर। अब चेक करते हैं सी को, अब चेक करते हैं सी को भी। अब ये देखिएगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन का। इसका ग्राफ होना चाहिए था पॉजिटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन में नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए बी बनता है वो कम होता है किससे, ए ए से और बी बी से। देखिएगा, पढ़िएगा ऑप्शन, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन बिटवीन एल एल इन प्योर लिक्विड एल एंड एम एम इन प्योर लिक्विड एम आर स्ट्रॉन्गर। तो पुराने फोर्स स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू नए से, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन बनेगा। बिल्कुल सही बात है, ये पॉजिटिव डेविएशन का ही एग्जाम्पल है, इसका मतलब सी तो करेक्ट होगा। ये लो, सी भी सही है, डी भी सही है, करेक्ट आंसर आर सी एंड डी। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा, तीन प्रॉब्लम के लिए ये एक आपको दे रखा है, कॉलम 1 2 3, तीन क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, 7 8 9 नंबर के प्रॉब्लम। कैसे टैकल करना है, कैसे टैकल नहीं करना, देखिएगा। आगे मैं पहले एक बार प्रॉब्लम बता देता हूं आपको, अच्छा ये प्रॉब्लम नंबर 8 है, ये प्रॉब्लम नंबर 7 है। ये देखिएगा, 7 नंबर प्रॉब्लम ऐसे दे रखी है, मैं इसको थोड़ा सा ये लीजिए, अब समझना बात। ये दे रखा है, बोला 4 हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। आइए समझिएगा, बात समझने की ट्राई करते हैं। मैं आपको यहां पे एक अप्रोच बता रहा हूं, कभी भी अगर वेव फंक्शन दे रखा हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द वेव फंक्शन साई एम एल एम इज मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर पाई एंड फाई ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड कैरेक्टराइज बाय द क्वांटम नंबर एम एल एम। हियर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, फाई इज कोलेटिट्यूड एंड फाई इज एजीमूथ। इन द मैथमेटिकल फंक्शन गिवन इन द टेबल z is atomic number, a not is Bohr radius। ये कह रहा है कि एक wave function होता है जो NLM के terms में represent करते हैं, और यहाँ पे आपको बोला है जो किसके ऊपर depend करेगा, एक polar coordinate दे रखा r, pi और theta का, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि
कौन सा ग्राफ कैसे किसके लिए होगा। मैं आपको एक सिंपलेस्ट तरीका बताता हूं, कभी भी वेव फंक्शन दे रखा हो, अपन अपने मन से किसी का वेव फंक्शन लिख नहीं सकते आसानी से। कोई गिवन होगा तो वेव फंक्शन इस टर्म्स में होगा, कभी कभी वेव फंक्शन जो होगा वो इस टर्म्स में होगा, कुछ लिखा हुआ आएगा, कुछ लिखा हुआ होगा, साथ में लिखा हुआ होगा e की पावर z r अपॉन समथिंग x a नॉट लिखा हुआ होगा सबसे पहले, या मैं ऐसा बोल दूं ऐसा लिखा हुआ होगा psi इज इक्वल टू e की पावर माइनस लिखा हुआ हो प्लस लिखा हुआ हो, ये ऐसे लिखा होगा z r अपॉन n a नॉट, एक तो ये लिखा हुआ होगा, एक लिखा हुआ होगा साइन या फिर कोस, यहां पे लिखा होगा एल थीटा, ये ऐसा लिखा हुआ होगा, और एक लिखा हुआ होगा मल्टीप्लाई साथ में और होगा ई की पावर यहां पे प्लस माइनस एम फाई करके लिखा हुआ होगा, ये एक लिखा हुआ आता है, ये एक जनरल वेव फंक्शन है। यहां पे एन जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया जो भी पावर होगी, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m हो गया। ये होता है एक जनरल वेव फंक्शन, ये है, ये अगर एक जनरल वेव फंक्शन है तो यहां पे देखिएगा मेरे को दो ऑप्शन में वेव फंक्शन दे रखे हैं। अगर मैं कंपेयर करूं इस वेव फंक्शन से, जनरल वेव फंक्शन से, तो यहां पे देखो कोई जरूरी नहीं है पूरी टर्म्स दे रखी हो, नहीं दे रखी इसका मतलब जीरो होगा, साइन दे सकता, कोस दे सकता, कुछ भी दे सकता है। यहां पे कंपेयर करें जेड आर दे रखा है, जेड आर दे रखा है, ए नॉट दे रखा है, इसका मतलब इसके लिए एन कितना होगा वन। अब यहां पे साइन नहीं दे रखा है, इसका मतलब सीधी सी बात है यहां पे पावर कितनी होगी वन होगी। अगर पावर वन है इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर पावर सॉरी यहां पे कुछ भी नहीं दे रखा है इसका मतलब पावर क्या है जीरो, किसी की भी पावर जीरो क्या होता है वन, तो एन वन है तो एल अपना आप क्या हो गया जीरो, और एन तो अपना आप जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए इस वाले वेव फंक्शन के लिए एन वन है एल जीरो है, इट मींस इट इज द वन एस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है 1s, पहली बार यहां कंपेयर करें तो देखो n की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, ये लो n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू देखो यहां पे 1 दे रखी है, ये देखो 1 दे रखी है, तो n 2 l 1 इसका मतलब 2p ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है 2p ऑर्बिटल है, चाहे कौन सा भी हो 2p z हो 2p x हो 2p y हो है 2p वाला। इतनी बात आपके समझ में आई, तो इस वाले से ये वाला कंक्लूजन तो मेरे पास आ गया, ठीक है। अब उसके अलावा आपको एक कह रहा है रेडियल नोड के बारे में, तो रेडियल नोड जो होता है, रेडियल नोड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन, एन माइनस एल माइनस वन, ये रेडियल नोड होता है। चलो अपन एक एक करके बात करते हैं कि प्रॉब्लम उठाते हैं, क्या कह रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। मैं बेटर फील ये करूंगा कि इसमें से जो आपको ऑप्शन दे रखे उनको चेक करते जाए। सबसे पहले आपको वन दे रखा है, वन दे रखा है, वन दे रखा है, सबसे पहले वन को चेक करते हैं, आइए वन को चेक करते हैं। वन का मतलब वन एस ऑर्बिटल, किसके लिए बात हो रही है वन एस ऑर्बिटल के लिए, तो वन एस के लिए कौन सा होगा, ये वन एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यस इट इज द वन एस ऑर्बिटल, ठीक है वन एस ऑर्बिटल। तो फर्स्ट का फर्स्ट मैच करना चाहिए, फर्स्ट का फर्स्ट मैच कर रहा है, अब आगे बात करते हैं। अब इसमें से कोई चेक नहीं करना है, अगर आप यहां पे चेक करोगे तो ये यहां पे वेव फंक्शन का ग्राफ है। मैंने पहले क्वेश्चन में ही बोला था अगर वेव फंक्शन का जहां पे साइन चेंज होता है वो रेडियल नोड है, इसका रेडियल नोड कितना है वन, जबकि वन एस के लिए बात करोगे रेडियल नोड वन माइनस जीरो माइनस वन, इसका रेडियल नोड कितना आएगा जीरो, इसका कोई भी रेडियल नोड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वन का पी नहीं आएगा, वन का पी नहीं आएगा, वन का पी नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये गया, ठीक है वन का फोर नहीं आएगा, ये गया। अब बचा ये वाला, नहीं तो अगला सेकंड ऑप्शन चेक कर लेंगे अपन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस, आपसे ये पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी, वैसे वन का ये दे ही नहीं रखा है तो आप छोड़ो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी छोड़ देते हैं, ठीक है आओ आगे बात करते हैं। वैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चाहिए ना तो साई का स्क्वायर कर दिया करो, क्या कर दिया करो साई का स्क्वायर कर दिया करो, ये स्क्वायर आ रहा है इसका मतलब ये तो इसके लिए आ रहा है, ये वाला जो आएगा वो इसके लिए आएगा, थर्ड के लिए क्या आएगा क्यू, कैसे अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो ए नॉट की पावर कितनी चल रही है 3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा ए नॉट का क्यूब आ जाएगा, ए नॉट का क्या आ जाएगा क्यूब, तो ये देखो ए नॉट का क्यूब दे रखा है, तो ये तो किसके लिए वैलिड है थर्ड वाले के लिए वैलिड, इसके लिए वैलिड नहीं,
ठीक है, वैसे इसके लिए भी वैलिड है, वैसे इसके लिए भी वैलिड है। तो यहां पे भी क्या दे रखा है, ए नोट की पावर 3/2, इसके लिए भी वैलिड है, फर्स्ट वाले इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है। कौन सा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस, ये हां, 1s ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी कहां पे? न्यूक्लियस पे। ये बात सही है किसके लिए? 1s के लिए, बट फर्स्ट का आर तो नहीं दे रखा है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। एनर्जी नीड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 2 स्टेट टू n इक्वल टू 4 स्टेट इज 27/32 टाइम्स द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 2 स्टेट टू n इक्वल टू 6 स्टेट के लिए बात हो रही है। 2 से 4 के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है सर, और 2 से 6 के लिए एनर्जी चाहिए। उसका कह रहा है कि ये इतने टाइम्स आएगा, मींस रेशियो लेना है आपको। मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पे आपको बात हुई E4 माइनस E2 अपॉन E6 माइनस E2 की बात हुई, तो ये देखिएगा कैसे आएगा। E4 की अगर मैं बात करूं एक जनरल टर्म्स में, x के टर्म्स में बात करूं, इट इज द माइनस x बाई 60, ये आएगा माइनस का x बाई 4, ये लो, अपॉन E6 की बात करें x बाई 36 आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस का x बाई 4, ठीक है। ऊपर अगर अपन एलसीएम लेके सोल्व करें तो ये आ जाएगा अपने पास एलसीएम 16, इट इज द 3x बाई 16 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो 9 आएगा, इट इज द 8x बाई 36, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो गया, 3 बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 36 अपॉन 8 बन जाएगा, ये बन रहा है, तो ये आई थिंक हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 9, 27 अपॉन 32, ऐसा डिजिट ही आपको दिखाया गया है, 27 अपॉन 32, इसका मतलब ये तो सही है, ये सही हटा देता हूं, इट इज द करेक्ट, कैलकुलेट हो गया अपन से। तो इसका मतलब फर्स्ट का एस भी सही है, तो सी ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन सही बैठ रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट आएगा ये सही है, सेकंड नंबर एस आएगा ये भी सही है। अच्छा सेकंड का चेक कर लो, तो 2s ऑर्बिटल का 21q आएगा या नहीं आएगा, 21q आएगा या नहीं आएगा वो चेक कर लेते हैं। 2s ऑर्बिटल है ठीक है, उसका फर्स्ट आ सकता है क्या? उसका फर्स्ट आ सकता है क्या? जी नहीं, ये किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर 1s के लिए वैलिड है, तो ये भी गया, तो पीछे आंसर कौन सा बच गया? थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बात, अब सी इज द करेक्ट आंसर हो गया, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, ये लो क्वेश्चन वापस शिफ्ट यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। देखिएगा 8 में देखिएगा, फॉर Hc+ ion बोला है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन बोल रहा है कि इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, इनकरेक्ट बोल रहा है इस बार, फर्स्ट का थर्ड होगा ये कह रहा है, फर्स्ट का थर्ड होगा भैया, फर्स्ट 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल नहीं हो सकता, ये किसके लिए? 2p ऑर्बिटल, तो फर्स्ट का थर्ड हो नहीं सकता है, तो ये इनकरेक्ट हो ही गया पहली बार, तो इसका मतलब अपने अकॉर्डिंग आंसर ये हो गया, अपने अकॉर्डिंग आंसर ये हो गया। अच्छा अदर तो चेक कर लो सर, 2s ऑर्बिटल है, तो 2s ऑर्बिटल में 1 रेडियल नोड हो गया क्या? तो 2s के लिए अगर अपन बात करेंगे, तो 2s के लिए जब अपन बात करेंगे तो n-l-1 2-0-1 रेडियल नोड होगा, सही है, सेकंड का सेकंड आना चाहिए, ये सही है। क्यों चेक करें क्या, क्यों चेक करें? बिल्कुल सही है, ये 1 अपॉन a नोट का क्यूब आएगा, ये सही है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, फर्स्ट का वन आएगा क्या? फर्स्ट का वन आया है, एस आएगा क्या? ये तो सही था, पिछले वाले में भी था। डी का फर्स्ट का वन आएगा क्या? आएगा। आर प्रोबेबिलिटी ये भी सही है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ओनली फॉर इनकरेक्ट पूछा था, फर्स्ट इज द इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, में बोल रहा है फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम फर्स्ट द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बात होगी, फोर्थ का फोर्थ होगा ये कह रहा है क्या? वन फोर्थ का फोर होगा, चलो ठीक है।
डीजेड ऑर्बिटल में, 3DZ ऑर्बिटल में आपसे बोला जा रहा है नोडल प्लेन XY होगा क्या? DZ स्क्वायर में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, वहां पे एक आप ऐसा बोल सकते हो नोडल कोन होता है, बाकी नोडल प्लेन नहीं होगा, DZ स्क्वायर ऐसा होता है, तो वहां पे नोडल कोन हो सकता है ये इस टाइप से, नोडल प्लेन तो नहीं होता है, तो ये तो गया गया। थर्ड चेक करते 2PZ ऑर्बिटल, तो 2PZ ये देखो 2P के लिए तो थर्ड का थर्ड होगा, क्या P होगा? क्या P नहीं हो सकता है, क्योंकि साई का ग्राफ S के लिए जो होता है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, P के लिए जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये नहीं होगा, हटाओ। अगला सेकंड 2S ऑर्बिटल के लिए 1 रेडियल नोड, यस पॉसिबल है। P होगा क्या? हाँ, 1 रेडियल नोड है, तो C इज द करेक्ट आंसर। क्या D ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट का सेकंड होगा क्या? 1s ऑर्बिटल में 1 रेडियल नोड होता ही नहीं है, ये देखो। अगर आपको इसका मतलब थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ये तीन क्वेश्चन एक साथ मिले, इसका मतलब आपको एटलीस्ट 12 से 15 मिनट का टाइम लगना चाहिए था, 12 से 15 मिनट का टाइम नहीं लगेगा अगर आपने सबसे पहले ये आइडिया अगर आपको है तो इससे पूरा क्वेश्चन डील हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 देखना ही। क्या कह रहा है? प्योर वाटर फ्रीजेस एट 273 केल्विन एंड 1 बार, द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये कह रहा है आपको कि 273 केल्विन पर प्योर वाटर फ्रीज होता है 1 बार प्रेशर पे, 34.5 ग्राम जब आपने इथेनॉल ऐड किया तो 500 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ वाटर में, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो गया। ओके, यूज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एस 2 केल्विन पर किलोग्राम पर मोल, द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेंपरेचर। वेपर प्रेशर वर्सेस टेंपरेचर का आपसे पूछ रहा है, ठीक है। द ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज, शुद्ध जल बोल रहे हैं 273 केल्विन और 1 बार पर फ्रीजेस होता है, 34.5 ग्राम एथेनॉल को 500 ग्राम जल में मिलाने पर विलयन का हिमांक बदल जाता है, जल का हिमांक अवनमन स्थिरांक दे रखा है आपको, नीचे दिए गए चित्र में वाष्प दाब को तापमान के विरुद्ध आलेखित किया गया है, कौन सा विकल्प जो है हिमांक में बदलाव को निरूपित करता है? आओ समझना, मैं एक बात बोल देता हूं, वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए, तो एक सिंपल सी बात है, ये वाला ग्राफ नहीं होगा, ये वाला ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ क्या हुए, डिक्रीज हुए। अब एक बात बताता हूं आपको, ये प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये किसका है? वाटर प्लस इथेनॉल का, ये 273 है और ये 270 है, इसका मतलब अगर आपने डिप्रेशन कैलकुलेट कर लिया तो आंसर बी और डी में से ही देना है। चलो डिप्रेशन कैसे कैलकुलेट होगा वो देखते हैं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम वाला फॉर्मूला लगाया है, अगर अपन केएफ दे रखा है 2, 34.5 मिथेनॉल दे रखा है, मिथेनॉल आई थिंक 32 होता है, मिथेनॉल ही तो दिया, सॉरी इथेनॉल है, अगर इथेनॉल है तो 46 होता है इथेनॉल का, 46 होता है इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट, 34.546 500 ग्राम में, ये लीजिएगा मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया आपने, यहां से मैं कैंसिल आउट कर देता हूं जो कैंसिल आउट हो रहा है, यहां से आपको मालूम चलेगा ये 2 टाइम्स हो गया, ठीक है, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया 23, इट इज द 69 डिवाइड बाय 23, इट इज द 3, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो आएगा वो 273 माइनस 3, इट इज द 270, फ्रीजिंग पॉइंट 270 वाला होना चाहिए, चेक करो 270 वाला, इट मींस डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया, पहले ग्राफ ये दोनों कटेंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर टेंपरेचर के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ये दोनों ग्राफ तो रॉन्ग हो गए। अब इन दोनों में बात करनी है, इन दोनों में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दोनों में डिफरेंट है, तो आप सीधा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर टारगेट करें। ओके, चले आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम, द करेक्ट स्टेटमेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अबाउट सरफेस प्रॉपर्टी इज ऑब्लिक आर, पृष्ठीय गुणों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपको बोला एडजॉर्प्शन इज अकंपनीड बाय डिक्रीज
इन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। एक सिंपल सी बात है, जब आप ये सिस्टम लेते हो यहां पे, तो सरफेस का मॉलिक्यूल जो होता है, सरफेस का जो मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगता है। ये अपना फोर्स बैलेंस करने के लिए इसके कॉन्टेक्ट में जो भी आता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसको सरफेस पे होल्ड करके रखता है, रिटेन करके रखता है, उसी को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना तो सिस्टम ने एनर्जी रिलीज की। इसकी सरफेस एनर्जी कम हुई, सरफेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट अपीयर होती है जिसे अपन हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हीट अपीयर हुई है, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, इट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई गैस किसी मेटल की सरफेस पे आके एड्सॉर्ब होती है तो उसकी रेंडमनेस डिक्रीज होती है। इसका मतलब डेल्टा एस भी कैसा होगा, नेगेटिव। इसका मतलब पहला पॉइंट जो है वो सही, फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। सेकंड नंबर, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ इथेन एंड नाइट्रोजन आर 563 केल्विन एंड 126 केल्विन। द एड्सॉर्प्शन ऑफ इथेन विल बी मोर देन that of nitrogen on same amount of activated charcoal at given temperature। एक सिंपल सी बात है, factor affecting adsorption में अपन ये देखते हैं कि adsorption का जो amount होगा, amount of adsorption उस gas के nature के ऊपर depend करता है। तो जिस gas का critical temperature ज़्यादा होता है, वो easily liquefy हो सकती है, उसका adsorption भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब इथेन का critical temperature ज़्यादा है, तो इसका adsorption भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब B is also correct। नेक्स्ट, क्लाउड इज इमल्शन टाइप ऑफ कोलाइड। क्लाउड फर्स्ट ऑफ थिंग इमल्शन है ही नहीं, क्लाउड इज एरोसोल, ठीक है, इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स फेज एंड गैस इज डिस्पर्सन मीडियम। आगे लिखा हुआ सही है बट ये गलत है, इमल्शन होता ही नहीं है, इट इज द एरोसोल। इमल्शन जो होता है वो लिक्विड इन लिक्विड का कोलाइड है, तो ये गलत है। ब्राउनियन मोशन ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज, ये गलत है, डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, साइज ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो ब्राउनियन मोशन कम होगी, ठीक है, बट डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ में किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द पार्टिकल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब डी स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, तो अपना करेक्ट आंसर हो गया ए एंड बी। चले नेक्स्ट देखिएगा, 12 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन एट टेंपरेचर टी। इक्विमोलर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड बी हैज वेपर प्रेशर ऑफ 45 टोर एट सेम टेंपरेचर। ए न्यू सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी हैविंग मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड एक्स बी रेस्पेक्टिवली हैज वेपर प्रेशर ऑफ 22.5 टोर। The value of xA upon xB in the new solution is given that the vapor pressure of pure liquid A is 20 torr at temperature T. A और B का आदर्श विलयन बनेगा। A और B का सम मोलर था, उसका वाष्प दाब 45 है। इसी ताप पर एक नया विलयन बनाया xA और xB वाला, उसका वेपर प्रेशर 22.5 है। तो बोला xA by xB कितना होगा, अगर शुद्ध द्रव का तापमान T पर वाष्प दाब कितना है, 20 torr है। अब इस क्वेश्चन को लिखोगे डेटा तब इसको अप्रोच कर पाएंगे। मैं इसका डेटा लिखता हूं थोड़ा सा। ये पहले कोई सलूशन था, इसमें कह रहा है इक्विमोलर है, इक्विमोलर है तो फिर उनके मोल फ्रैक्शन भी बराबर होंगे एक्स ए और एक्स बी, और वो किसके बराबर होगा, हाफ के। ये पहले वाला सोल्यूशन है, इधर दूसरा वाला सोल्यूशन मिलेगा। इसका वेपर प्रेशर कितना है, 45। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी दे दी, 20। पी नॉट ए की वैल्यू दे रखी 20 इंटू 1 बाई 2 प्लस P not B into 1 by 2, तो P not B की वैल्यू आ जाएगी 70। ओके, आगे कह रहा है आपको कि XA और XB मोल फ्रैक्शन वाला है 22.5 टोर आ रहा है, ये लो 22.5 टोर आ रहा है। P not A कितना है, 20 है into XA plus 70 है। XB को 1 minus XA लिख देते हैं अपन एक बार के लिए, तो 22.5 is equal to 20xA 70 minus 70xA, तो ये उधर जाएगा, तो 50xA आ जाएगा। 70 में से 22.5 जाएंगे,
47.5 आ जाएगा, यहां से एक्स ए बराबर 47.5 अपॉन 50 आएगा, तो मैं बोल रहा हूं यहां से एक्स भी कितना आएगा, 2.5 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 50। अगर अपन एक्स ए अपॉन एक्स बी का रेशियो चाहिए मेरे को, तो एक्स ए अपॉन एक्स बी करते हैं तो ये आएगा 47.5 डिवाइड बाई 2.5, इट इज द 90। एक्स ए बाई एक्स बी किसके बराबर आ जाएगा, 19 के इक्वल आ जाएगा। प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको, चले आगे नेक्स्ट बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13, इस क्वेश्चन को भी अगर आप डेटा लिखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, द प्लॉट गिवन बिलो शोस पीटी कर्व वेयर पी इज द प्रेशर एंड टी इज द टेम्परेचर फॉर टू सॉल्वेंट एक्स एंड वाई। दो सॉल्वेंट एक्स और वाई अलग अलग दे रखे आपको, एंड आइसोमोलर, इसका मतलब मोलरिटी सेम है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन दिस सॉल्वेंट। इन दोनों में NaCl आपको क्या करवा रखा है, डिसॉल्व करवा रखा है, और बोला दोनों की मोलरिटी सेम है, NaCl कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन बोथ दिस सॉल्वेंट, दोनों में कंप्लीटली डिसोसिएटेड होगा। आगे ये क्या कह रहा है, एक अवाष्पशील विलेय S, एक अवाष्पशील विलेय S के समान मोलों की संख्या को इन विलायकों की समान मात्रा में डालने पर विलायक X का क्वथनांक उन्नयन विलायक Y से 3 गुना है, विलेय S इन विलायकों में द्वितीयकरण के लिए जाना जाता है, मींस डाइमर बनाएगा, यदि विलायक Y में द्वितीयकरण की मात्रा मींस डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन 0.7 है तो बोल रहा है विलायक X में द्वितीयकरण की मात्रा कितनी होगी। आओ बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ थिंग अपन बात करें, ये बोला सॉल्वेंट X का ग्राफ ये है, जब इसमें आपने NaCl मिलाया सॉल्वेंट X में तो आप कह रहे हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो आया वो 360 से कितना हो गया, 362 हो गया, इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2 आ गया, 367 था उससे 368 आ गया, इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 1 हो गया। तो मैं इसको ऐसा बोल दूं क्या कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ X वो है आपके पास कितना, 2 का, और बॉइलिंग पॉइंट इन एलिवेशन जो है Y के साथ वो है 1 का। अपन ऐसा बोल दे क्या, डेल्टा टीबी ऑफ X इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा टीबी ऑफ Y हो जाएगा, यस और नो? ठीक है, अब डेल्टा टीबी ऑफ X किसके बराबर होगा, आयोटा इनटू केबी ऑफ X इनटू मोलरिटी, 2 टाइम्स आयोटा इनटू केबी ऑफ Y इनटू मोलरिटी, ये आयोटा दोनों का सेम है, NaCl है तो 2-2 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मोलरिटी सेम है तो KB फॉर X जो आएगा वो 2 टाइम्स आएगा KB फॉर Y के, ये रिलेशन आ गया अपने पास, KB फॉर X जो आएगा वो 2 टाइम्स आएगा KB फॉर Y के लिए। आगे क्या कह रहा है कि जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट S मिलाया था इक्वल मोल समान सेम अमाउंट में, इसका मतलब मोलेलिटी अभी भी सेम रह रही है, विलायक X का क्वथनांक विलायक Y से 3 गुना है, इसका मतलब डेल्टा टीबी ऑफ X इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा टीबी ऑफ Y, ये आयोटा होगा, KB इनटू X होगा, मोलेलिटी सेम है, 3 टाइम्स आयोटा इनटू KB ऑफ Y इनटू मोलेलिटी, मोलेलिटी से मोलेलिटी कर देता हूं कैंसिल, आयोटा इसका कैलकुलेट करूंगा एक्स का, ठीक है, केबी ऑफ एक्स पढ़ा रहे मैं 3 टाइम्स आयोटा लिखता हूं, वो कह रहा है कि कितना परसेंट हुआ, 0.7 हुआ, तो 0.7 हुआ तो डाइमर बना रहा है, तो डाइमर बनाता तो आयोटा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस एन की वैल्यू हो जाती है 2, 0.7 है, इट इज द 0.7, तो ये हो गया 1/2, आयोटा हो गया 0.65, आयोटा कितना हो गया 0.65, ये लो 0.65 इनटू केबी ऑफ वाई हो गया, ये लो। अब मेरे को आयोटा इसका कैलकुलेट करना है, आयोटा इज इक्वल टू 3 इनटू 0.65 केबी ऑफ वाई अपॉन केबी ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वाई बाई एक्स कितना है 1/2 हो जाएगा, तो 3 इनटू 0.65 डिवाइड 1/2, ये कितना हो गया 1.95 डिवाइड बाई 2, ये आ गया, ये क्या आ गया इसका, आयोटा आ गया।
आयोटा किसके इक्वल होगा, आयोटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस अल्फा बाय 2 के। तो यहां से अल्फा बाय 2 जो आएगा, यहां से अल्फा बाय 2 जो आएगा वो आ जाएगा अपने पास 0.05 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 0.05 आ जाएगा। यही अपन से पूछा है प्रॉब्लम में कि बताओ कि उसमें कितना द्वितीयकरण होगा, डाइमराइजेशन होगा, तो यहां पे डाइमराइजेशन कितना बोलूंगा, 0.05, कितना डाइमराइजेशन हो जाएगा, 0.05 का, ये क्वेश्चन बनेगा। 5 मिनट लगेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, इजी नहीं, ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14 की बात करते हैं, क्या कह रहा है, टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ MnCl2 डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन इट वाज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू KMnO4 यूजिंग द रिएक्शन। ये कह रहा है कि आपको MnCl2 का क्वांटिटेटिवली मेजर करना है, तो आपने एक रिएक्शन करवाई और इसको KMnO4 में कन्वर्ट कर दिया। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl वर एडेड टू दिस सॉल्यूशन एंड जेंटली वार्म। फर्दर ऑक्सैलिक एसिड 225 मिलीग्राम वाज एडेड इन पोर्शन टिल द कलर ऑफ परमैग्नेट आयन डिसअपीयर्ड। सीधी सी बात है, परमैग्नेट आयन ये कह रहा है डिसअपीयर्ड होना चाहिए, इसका मतलब एसिडिक मीडियम में Mn2+ में कन्वर्ट होगा। ऑक्सैलिक एसिड है साथ में, इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि ये किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडाइज होके CO2 में। ओके, द क्वांटिटी ऑफ MnCl2 इन मिलीग्राम प्रेजेंट इन द इनिशियल सॉल्यूशन। मैं एक बात बोलू क्या, मैं ये बोलना चाह रहा हूं इक्विवेलेंट ऑफ MnCl2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ परमैग्नेट आयन या KMnO4। एंड सेकंड इक्वेशन में मेरे को मालूम चल रहा है कि MnO4 माइनस K इक्विवेलेंट जो होंगे वो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आने चाहिए। ये तो ऐसा बोल दे क्या कि इक्विवेलेंस ऑफ MnCl2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन काम की है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये इक्विवेलेंट क्या होता है, इसका मोल इनटू एन फैक्टर हो जाएगा या मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इधर भी क्या हो जाएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये हो जाना चाहिए। इसका मास कितना दे रखा है, 225 मिलीग्राम दे रखा, तो वो भी मिलीग्राम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है, ऑक्सैलिक एसिड जब CO2 में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +4 में गया, एक का चेंज, दो कार्बन है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन फैक्टर 2 हुआ, इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा 90 डिवाइड बाय 2, इट इज 45, इसका मतलब 5 आ गया। तो इसका मास कितना आ जाएगा, 5 इंटू इक्विवेलेंट वेट जो भी आएगा ये मिलीग्राम में आ जाएगा, क्योंकि ये मिलीग्राम में ही था। ठीक है, MnCl2 का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, MnCl2 कन्वर्ट हो रहा है KMnO4 में, तो सबसे पहले मैं इसका चेक कर लूं कि n फैक्टर कितना आएगा, +2 से +7, 5 का n फैक्टर आ गया, 5 का n फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, Mn का एटॉमिक मास दे रखा 55, Cl2 को हो गया कितना 71, 71 और 55 की अगर अपन बात करें, 55 और 71 126 डिवाइड बाय 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इट इज द 126 मिलीग्राम आंसर क्या हो जाएगा 126 मिलीग्राम ओके नेक्स्ट बात करें अगर अपन 15 नंबर प्रॉब्लम देखिएगा ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन आयोनिक सॉलिड सॉल्यूट टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम 650 mm Hg टू 640 mm ऑफ Hg। द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन अपॉन एडिशन ऑफ दिस सॉल्यूट। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, 0.5 ग्राम जो है वो अवाष्पशील अनआयनिक विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में घोलने पर वाष्प दाब इतने से इतना हो जाता है, इस विलेय को बेंजीन में मिलाने के उपरांत बेंजीन के हिमांक का अवनमन क्या होगा, मोलर अवनमन स्थिरांक दे रखा है। एक सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो बेंजीन के लिए डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो किसके बराबर होगा, केएफ इनटू मोलेलिटी।
आपको अल्टीमेटली मोलेलिटी आनी चाहिए। अगर मोलेलिटी कैलकुलेट होगी तो अपना काम हो जाएगा। अपन को मालूम है राउल्ट्स लॉ से पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स बी के बराबर होता है। ये लो, अगर एक्स बी के बराबर होता है तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं पी नॉट ए कितना दे रखा है मेरे को 650, पी एस कितना दे रखा है 640 अपॉन 650 इज इक्वल टू एक्स बी। यहां से एक्स बी जो आएगा ये आएगा 1/65, एक्स बी आ गया 1/65। अब आप यहां से मोलेलिटी कैलकुलेट कर ले, 1000 इंटू एक्स मीन सॉल्यूट का होता है 1/65, 1 माइनस, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अपने सेकंड नंबर प्रॉब्लम में अप्रोच भी किया था, 1 माइनस ये होना चाहिए मोल फ्रैक्शन, तो 64/65 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का मोलर मास 78 है, 65 से 65 कैंसिल हो गया, 1000 अपॉन 64 इंटू 78 इट इज द मोलेलिटी। यहां तक बात ओके? अब अपन को कैलकुलेट करना डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीएफ जो होगा वो होगा केएफ, केएफ है 5.12, मोलेलिटी हो जाएगी 1000 डिवाइड बाय 64 इंटू 78। मैं यहां पे एक काम करता हूं, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया 512, ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 78। आई थिंक ये जो होगा डेल्टा टीएफ वो होगा 1.025 हो जाएगा, या जो भी आएगा 80 डिवाइड बाय 78 आंसर आना चाहिए। चले आगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मोलेलिटी की वैल्यू पुट करनी थी तो मैंने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके मोलेलिटी की वैल्यू वहां पे पुट कर दी। नेक्स्ट देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 16, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अपन को मालूम भी है। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट साई ऑफ Hc प्लस हुज एनर्जी एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर -3.4, 2 and 0 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्टेट साई। एक बात करूं तो हीलियम के अंदर एनर्जी जो दे रखी है, अपन को मालूम है एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये दे रखी है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 × 4, तो एन इक्वल टू क्या आ गया 4, एन 4 आ गया। एल आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 दे रखा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, इट मींस ये किसके बारे में बात हुई 4dz2। एक्चुअल में L2 होता है तो सबसे L कौन सा होता है, D वाला होता है, M0 है, इट मींस 4dz2 है। चलो आगे क्या कह रहा है, अब अपन कहते हैं 4dz2 है, अपन को इतना समझ में आया, इट इज ए 4d स्टेट, आपको बोल रहे 4d स्टेट है, बिल्कुल सही है। बोले 2 एंगुलर नोड होंगे, एंगुलर नोड 2 होंगे, अपन बात करें 4dz2 के लिए, एंगुलर नोड का फॉर्मूला जो होता है वो L के बराबर होता है, L 2 है तो एंगुलर नोड भी 2 होंगे, ये सही है। आगे बात करते हैं, आगे क्या दे रखा है, मैं इसको रफ कर देता हूं, फर्स्ट हो गया B हो गया। द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन 2e, वेयर इज द e इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये रॉन्ग है, उसका रीजन सुनो, आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है यहां पे है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो शील्डिंग इफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस के पास हीलियम में 2e चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स किस न्यूक्लियस की वजह से लगेगा, 2e की वजह से लगेगा। हाँ, अगर इस कंडीशन में अगर आपके पास इनर इलेक्ट्रॉन होते, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते, तो शील्डिंग इफेक्ट कंसिडर करते, यहां पे शील्डिंग इफेक्ट कंसिडर होगा नहीं बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन है। इट हैज 3 रेडियल नोड, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है, माइनस 1, रेडियल नोड 1 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड।
नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 70। द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05 इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब द मोलारिटी ऑफ द यूरिया सॉल्यूशन। मोलारिटी पूछ रहा है, देखिएगा आपको क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम वाटर इज 0.05। मैं ऐसा बोल दूं क्या, मोल फ्रैक्शन 0.05 है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 900 ग्राम का मतलब हो गया 50 मोल ये लो वाटर के, ठीक है। अपन को कैलकुलेट करनी है मोलारिटी। मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स चाहिएगा अपॉन वॉल्यूम चाहिएगा, किसमें, लीटर में। नंबर ऑफ मोल भी नहीं है तो वॉल्यूम भी नहीं है, यहां से आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लीजिएगा 0.05n प्लस अगर 50 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 आ जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू n, 0.95n इज इक्वल टू 2.5 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 0.95 आ जाएगा, याद है, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, जो भी मोल्स आ रहा है ये मोल आ जाएगा। अब अपन को मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 2.5 डिवाइड बाय 0.95 इनटू इसका कितना हो गया 60 प्लस ये कितना हो गया 900 का, ये आ जाएगा। इसको अपन एक बार रफली आईडिया के लिए सॉल्व करने की ट्राई करें, ये 250 हो गया, ये 95 हो गया, तो एक बार रफली आईडिया ले लेते हैं, ये 19 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा अपने पास 50 हो जाएगा, ये 3000 हो गया प्लस 19 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें 171,00 अपॉन 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कितना, ये लो ये आ जाएगा, ये ग्राम में आ गया मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब डेंसिटी दे रखी है अपन को, ये ग्राम में आ गया, डेंसिटी दे रखी है अपन को, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.2, तो मास दे रखा है डेंसिटी, तो अपन को वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी 1.2, ये आएगा ml में, ये लीजिएगा। अब मोलारिटी चाहिए अगर आपको, तो मोलारिटी चाहिए तो कैपिटल M इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 0.95, ये आया, ये किसके इक्वल होगा 20,100 19 इंटू 1.2 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ml में था, ठीक है। अब अगर अपने यहां से सोल्व करने की ट्राई करें, दो जीरो से दो जीरो ये कैंसिल आउट कर दीजिएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट कर रहा हूं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 times, एक पॉइंट यहां से अगर हटाए तो ये गया, इट इज द 5 times, ये लीजिए। अब अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करें 600 डिवाइड बाई 201, ये आ जाएगा, जो भी आएगा 2.96 या जो भी आंसर आएगा वो अपना सही हो जाएगा, ओके, इट इज द टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर क्या कह रहा है, 18 और 19 दो क्वेश्चन आए हुए एक साथ, ठीक है, एक ही प्रॉब्लम है, जेई एडवांस में आ रखे, दोनों के लिए ये सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट दे रखा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंसीडर द बोर मॉडल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉलोइंग लिस्ट, फर्स्ट कंटेन सम क्वांटिटीज फॉर द nth ऑर्बिट ऑफ एटम एंड द सेकंड कंटेन्स ऑप्शन शोइंग हाउ दे डिपेंड ऑन n, n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, बोर एटॉमिक मॉडल पर आप विचार कीजिए और उसमें एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज दे रखी है और लिस्ट सेकंड में उनकी n पर निर्भरता दे रखी है, आपको मैच करना है। देखिएगा ये कह रहा है फर्स्ट का p के साथ मैच करना है, nth कक्षा की त्रिज्या जो होती है rn जो होता है वो होता है 0.529 n² / z, तो यहां से बोलूं rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा n स्क्वायर के, तो p तो नहीं होगा, फर्स्ट का p गलत है, आगे चले सेकंड का r, nth कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग होता है mvr इज इक्वल टू nh/2π, तो j डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा n के, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहा है, तो ये भी गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी का साइन अपोजिट कर दीजिएगा 13.6 Z² / n² तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी किसके, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी n स्क्वायर के, ये हो जाना चाहिए ठीक है। तो ये कह रहा थर्ड वाला, तो थर्ड वाला भी मेरे को लग रहा है काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी n स्क्वायर के, तो ये तो कह रहा है क्यू होना चाहिए, ये भी गलत है। अच्छा सेकंड का क्यू कह रहा है, हाँ सेकंड का क्यू भी गलत ही, सेकंड का आर गलत है, सेकंड का क्यू गलत है। बारी आई फर्स्ट का टी, तो फर्स्ट का टी एन स्क्वायर बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट का टी ये सही है, 18 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है। चले आज ये ऑप्शन लिखे हुए काम आ जाएंगे सारे, आगे देख लेते। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सही है। ये कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, थर्ड का एस होगा, अभी अपन ने बोला काइनेटिक एनर्जी, तो थर्ड में काइनेटिक एनर्जी अपन बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एन स्क्वायर के, तो थर्ड का एस होना चाहिए गलत है ये लो, थर्ड का पी होना चाहिए सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ रहा था, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ रहा था, तो ये सही है, इट मीन्स थर्ड का पी सही हो गया ये लो ठीक है। फोर्थ का यू होना चाहिए, फोर्थ का यू कैसे हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी तो काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है, तो एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आएगा, ये भी नहीं होगा। फोर्थ का क्यू होगा, फोर्थ का क्यू भी नहीं होगा, तो अपना आंसर चला गया सेकंड। चला कि सिंपल सा क्वेश्चन आया, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, आइए ये मैं इस एडवांस पेपर 2020 का एक अच्छा क्वेश्चन उन लोगों के लिए मानता हूं जो स्कूलिंग नहीं करते या स्कूलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल से उठा के दिया गया है, एनसीईआरटी प्रैक्टिकल बुक से आया है। क्या कह रहा है, 5 ml of 0.1 molar oxalic acid solution taken in a conical flask is titrated against NaOH from a burette using phenolphthalein indicator. ठीक है, the volume of NaOH required for the appearance of permanent faint pink color is tabulated below for 5 experiment. What is the concentration in molarity of the NaOH solution? एक बोल रहा है conical flask में इतना oxalic acid का 5 ml विलयन का फिनोफ्थेलिन संकेतक का उपयोग करके एक ब्यूरेट से NaOH से अनुमापन किया गया है ठीक है। ऐसे 5 परीक्षणों का स्थायी हल्का गुलाबी रंग प्राप्त होने तक NaOH के आवश्यक आयतन की मात्रा को सारणी में दिया गया है, NaOH की सांद्रता ज्ञात करनी। एक्चुअल में जब अपन टाइट्रेशन करते हैं तो अपन लैब में 3 रीडिंग लेते हैं, तो अपन बोलते हैं सेकेंड और थर्ड रीडिंग सेम आनी चाहिए, इसका मतलब टाइट्रेशन को तब तक रिपीट करना चाहिए जब तक रीडिंग सेम नहीं आ जाए। तो यहां पे देखिएगा रीडिंग यहां पे सेम हुई है, इसका मतलब ये रीडिंग कंसीडर होगी, ये इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। अगर ये इक्विवेलेंस पॉइंट है तो मैं ऐसा बोल दूं इक्विवेलेंस ऑफ NaOH इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी मोलारिटी पूछ रहा है, तो नॉर्मेलिटी एन फैक्टर 1 हो गया इंटू इसका वॉल्यूम कितना हो गया 9 ml। अगर इधर ml लिखा तो उधर भी ml ही लिखना, आप ध्यान रखें 0.1 है ये लो, इसका n फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड का 2 होता है, ये लीजिएगा 5 ml, m इज इक्वल टू कितना आएगा 1/9 आएगा। मैंने अगर कोई गलती नहीं की है तो आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, 1/9 ml आएगा। अगर 1/9 ml आएगा तो इसका मतलब इसका आंसर जो आना चाहिए इट इज द 0.11 m आना चाहिए, ये लीजिए। नेक्स्ट बात करें 21 नंबर पे, ये बेसिकली वैसे तो इनऑर्गेनिक का ऑप्शन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, सत्य कथन का चयन कीजिए। SnCl2.2H2O इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही है, Sn+2 में तो Sn+4 में जाने की टेंडेंसी रखता है, तो SnCl2 जो होगा वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। SnO2 रिएक्ट विद KOH, ये भी राइट है। अगर आपको मालूम हो तो SnO2, देखो JEE का एक टारगेट रहा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। SnO2 है, SnO2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, तो KOH के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं अपन तो अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको, सबसे पहले K2SnO3 ये लिख सकते हैं। अब इसको ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो,
एक ही बात है, K2SnOH होल 6 वाटर के प्रेजेंस में, दोनों एक ही चीज है। जैसे बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद, जैसे अपन बेरिलियम ऑक्साइड लिखते हैं, ये अगर NaOH के साथ बेरिलियम ऑक्साइड BeO अगर NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो अपन लिखते हैं Na2BO2 बनता है, फिर इसी को अपन आगे लिखते हैं BOH होल 4, ये इस टाइप से Na2। तो सेम मैनर है ये एम्फोटेरिक है, बिल्कुल सही। ए सॉल्यूशन ऑफ PbCl2 इन HCl, ए सॉल्यूशन ऑफ PbCl2 इन HCl कंटेंस Pb2+ एंड Cl- आयन, ये सही नहीं है। PbCl2 HCl के साथ अगर रिएक्शन करता है तो करेगा तो ये बनाएगा H2PbCl6। आयन आपको Pb2+ नहीं दिखाई देगा, आपको आयन जो है वो Cl- दिखाई नहीं देगा, H4 मान लो अगर ये H2 या H4 बनाता तो आयन तो ये दिखाई नहीं देंगे आपको, आयन ही दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो ये गलत है। The reaction of Pb3O4 with dilute hot nitric acid, Pb3O4 की जब रिएक्शन करवाते हो आप HNO3 के साथ डाइल्यूट के साथ, तो रिएक्शन होती है PbO2 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये PbO+ PbO2 का मिक्सचर होता है, PbO2 एटीटी ज्यादा आएगा, प्लस लेड नाइट्रेट बनेगा ये लो, प्लस H2O बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें पहले भी तो PbO और PbO2 था, तो वो PbO2 एटीटीज आ गया, PbO लेड नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, तो रेडॉक्स तो नहीं है, जबकि ये कह रहा है एक रेडॉक्स है, तो ये भी नहीं होगा, ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन फॉर ऑल कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। टू सच सॉल्यूशन विथ 0.5 एंड 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दो सॉल्यूशन है ये लीजिएगा, ये दो सॉल्यूशन है, पीएस बराबर इस पहले वाले सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन 0. ये है और यहां पे इसका मोल फ्रैक्शन 0.5 है, ये लीजिए। वेपर प्रेशर कह रहा है टोटल वेपर प्रेशर 0.3 और 0.4 है, इधर पीएस 0.3 है, इधर पीएस 0.4 है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इन बार, ठीक है आप लगाइएगा, पीएस बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, अगर एक्स ए ये, इसको 1/4 लिख दिया जाए क्या, पी नॉट बी इसको लिख देंगे अपन 3/4, ये हो जाएगा 1.2 इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 3 टाइम्स क्या पी बी नॉट। इधर अगर अपन बात करें 0.4 इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1/2 प्लस पी बी नॉट इंटू 1/2, इट मीन्स पी नॉट ए प्लस पी बी नॉट इट इज इक्वल टू 0.8। अगर इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया जाए, इक्वेशन 1-2 कर दिया जाए, तो 1-2 करने पर आपको मालूम चलेगा पी ए से पी ए कैंसिल हो गया, 2 PbO इट इज इक्वल टू 0.4, तो यहां से PbO किसके बराबर आएगा, 0.2 के बराबर आएगा, ये लीजिएगा अपना आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, आपको बोल रहा है कि फिगर बिलो इज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये वेल नोन ग्राफ है केमिकल बॉन्डिंग का, कि जैसे इसमें पहले हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे से कोई इंटरेक्ट नहीं होता है, तो उस सब कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जरूर होती है, जैसे जैसे पास में आता है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और यहां पे H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल एनर्जी इन किलोजूल पर मोल फॉर डी इक्वल टू डी नॉट, इस वाले पे कैलकुलेट करनी, इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से जीरो की तरफ ट्रेंड है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो की तरफ ट्रेंड है, तो ये बोला टोटल सिस्टम की बात करनी है। एट विच द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन एनर्जीज आर एब्सेंट, दो एटम है हाइड्रोजन के, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन काउंट नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और दोनों के न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्शन काउंट नहीं होगा, कह रहा है एब्सेंट है। एज रेफरेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टेकन एज जीरो व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर इनफाइनाइटली फार अपार्ट,
use Avogadro constant 6.023 into 10 raised to the power 23 per mole. सिंपल सी बात है, आपको मालूम है कि अगर मैं बात करूं एक हाइड्रोजन एटम की, इस हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन एटम से कोई लेना देना नहीं है, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन की पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2.178 इंटू 10^-18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये होता है जूल के अंदर पर एटम, जूल पर एटम। तो अपन को तो सिस्टम की चाहिए, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की, तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ऑफ थिंग इसका डबल हो जाएगी। मैग्नीट्यूड चाहिए अपन को, ध्यान रहे है ना, हाइड्रोजन के लिए जेड वन एन वन हो गया जूल पर एटम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मीन्स टू हाइड्रोजन एटम की कंबाइन करके बात करें तो ये आ जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी टू टाइम्स कर दो तो टू टाइम्स टू इंटू माइनस में 2.178 इंटू 10^-18 इट इज द जूल पर एटम, 2 इंटू 2 हो गया 4 इंटू 2.178, ओनली 4 मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, 10^-18 ये जूल पर एटम है, तो पर मोल के लिए अगर अपन बात करें तो इतना हो जाएगा, ठीक है ये जूल आ जाएगा पर मोल। अपन को चाहिए किलो जूल में, तो किलो जूल में चाहिए, उस कंडीशन में देखिएगा 10^5 बचेगा तो 10^2 रख दो आप, 400 इंटू 2.178, ठीक है, या ऐसे इसको ऐसा लिख दो, ये 4 था, 2.178 था इंटू 10^-18 था, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 10^ कितने बच गया था 5, तो 10^3 तो चला गया किलो जूल में, 10^2 बच गया तो 4 इंटू 217.8 इंटू 6.023 इंटू ये हो जाएगा, इट इज द किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो यहां से देखिएगा 868 तो आएगा ही आएगा, ये आ जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर है एग्जैक्टली, ठीक है। ये अपने सारे 23 क्वेश्चन जो थे वो अपन ने देखे मूल कंसेप्ट सॉल्यूशन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सरफेस केमिस्ट्री के। ऑन एवरेज अपन को ये समझ में आया कि 5 साल में अगर 23 क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चन हर चैप्टर हर पर ईयर बन रहे हैं, 4 टॉपिक में से अगर 5 क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है, जिसमें से सरफेस केमिस्ट्री के अपन ने देखे थे ओनली 2 क्वेश्चन थे, इसका मतलब कहीं कहीं मूल कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सॉल्यूशन के 6 से 7 क्वेश्चन अच्छे आपके तैयार हो जाएंगे। और मैं कहता हूं अगर इतना कर लेते हो तो सॉल्यूशन के टॉपिक के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अपन ने कवर हो गए थे। ओके, याद तक करें, थैंक यू।